गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइस जो वीडियो आपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो देख ली है, उस टाइप की ट्रेन वाली वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, यानी कि वो जो साउंड है उस टाइप का वीडियो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और एक भाई का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया था कि उस टाइप की वीडियो भाई हम कैसे एडिट करें। तो फाइनली मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। एंड गाइस अगर आप भी उस टाइप की अपने फोटो के साथ उस टाइप की वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा गाइस। फर्स्ट एप्लीकेशन का नेम है कैपकट एंड सेकंड है हमारा वीपीएन, यानी कि जो हमारा कैपकट एप्लीकेशन है वो इंडिया में बैन हो रखा है। तो इसको चलाने के लिए, यानी कि जो इसके फंक्शन है वो चलाने के लिए हमें इसमें वीपीएन को कनेक्ट करके यहाँ पर चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पर वीपीएन को ओपन करता हूँ। मैं इसको स्किप करूँगा, यहाँ पर देख ही सकते हैं इसका इंटरफेस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर लिखा है टैप टू कनेक्ट, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर बैक आ जाना होगा। एंड बैक आने के बाद अब अपने यहाँ पर आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो मैं अपने कैपकट एप्लीकेशन में आ चुका हूँ और वो ऑटोमेटिकली हमारा वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारा वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर लिखा है गाइज, अब आप लोगों को ऊपर एक आइकन देखने को मिल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट का। तो आप लोगों को गाइज आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। एंड गाइज न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ये ट्रेन वाली वीडियो ऐड करनी होगी। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से ऐड करता हूँ। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारी ये वीडियो ऐड हो जाएगी। और ये गाइज अगर आपके पास ये वीडियो नहीं है तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जाके इजी से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरे अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, अभी तक जाओ और चैनल को ज्वाइन करो। अब यहाँ पर आना होगा आपको एंड में। एंड में आने के बाद आपको ये वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना होगा। अब यहाँ पर हमें इसमें ऑडियो ऐड करना होगा, तो आप लोगों को ऐड ऑडियो पर क्लिक करना होगा। एंड ऐड ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक्सेक्टेड ऑडियो पर क्लिक करना होगा। एक्सेक्टेड ऑडियो पर क्लिक करने का मतलब है कि हमें एक वीडियो में से ही ऑडियो निकालना है। तो ये रहा वो वीडियो, मैं इस वीडियो को यहाँ से ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर इम्पोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं गाइज हमारा साउंड यहाँ से नीचे यहाँ पर आ जाएगा। गाइज मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इसका साउंड यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब हमें करना क्या होगा, हमें इसमें यहाँ पर फोटो ऐड करने होंगे। तो फोटो ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा। एंड प्लस पर क्लिक, जैसे आप गाइज प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं अपने जल्दी से फटाफट से फोटो ऐड करता हूँ। एंड यहाँ पर गाइज आप लोगों को 12 फोटो यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख ही सकते हैं मैंने 11 फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए है। एंड मैं यहाँ से अब ऐड पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूँगा यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारे फोटो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे आप लोग यहाँ पर अपना साउंड प्ले करके देख लेना है कि हमारी जो बीट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यानी कि हमारी बीट इस साउंड में कहाँ कहाँ पर बीट आ रही है, फिर हमें बीट के हिसाब से अपने फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो मैं एक बार ये साउंड प्ले करके गाइस यहाँ पर देख लेता हूँ। सो गाइज अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को इस साउंड पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गाइज आप इस साउंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मैच कट का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गाइज आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइज जहाँ पर भी बीट आ रही है वो यहाँ पर आपको ऐड बीट पर क्लिक करना होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगी हमारी बीट यहाँ पर आ रही है। तो मैं इस साउंड को प्ले करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड बीट यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर लगा दिया है हमारी बीट कहाँ कहाँ पर आ रही है। सो गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारी बीट कहाँ कहाँ पर आ रही है। ठीक है, हमारी बीट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यानी कि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी बीट यहाँ पर आ रही है, हम इसमें थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अब हमें इससे पता अंदाजा भी लग गया। अब हमें करना क्या होगा, इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर अपने फोटो को भी एडजस्ट कर लेना होगा। ठीक है, फोटो को एडजस्ट करना होगा तो यहाँ पर आपको आ जाना है। फर्स्ट फोटो तो हमारा एडजस्ट हो ही रखा है। अब आप लोगों को अपने फोटो पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा पहले फुल स्क्रीन में यहाँ पर कर लेना होगा। ठीक है, मैं अपने फोटो पर क्लिक करता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट पर जाना होगा और इसको थोड़ा सा आप लोगों को, तो गाइज आप लोगों को फोटो पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे जूम कर देना, यानी कि आप लोगों को फोटो को जूम कर देना। ठीक है, मैं सभी फोटो को इनको फटाफट से यहाँ पर जूम कर देता हूँ। जो सो
सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैंने अपने फ़ोटो को सभी को क्रॉप कर दिया है, अच्छे से कर दिया क्रॉप। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बैक आना होगा, एंड बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को बीट के हिसाब से अपने फ़ोटो को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा। यहाँ यानी कि गाइज हमारी बीट जो फर्स्ट आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, एंड आप लोगों को सेकेंड बीट पर आ जाना होगा, यानी कि हमारी फर्स्ट बीट यहाँ तक आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एंड आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करके अपने फोटो पर क्लिक करना होगा, एंड आप लोगों को स्प्लिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्प्लिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कट लग जाएगा। अब जो इसका आगे का पार्ट है वो यहाँ से आप लोगों को इसको डिलीट कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों को फिर से आगे आना होगा। आगे आने के बाद जो हमारी सेकंड बीट आ रही है वो यहाँ पर आई है, तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आ जाना होगा, एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक करना होगा, एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से स्प्लिट पर जाना होगा। स्प्लिट पर जाने के बाद आप लोगों को फोटो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस फोटो को आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना होगा। फिर से आपको थर्ड वाली बीट पर आ जाना होगा, एंड थर्ड वाली बीट पर आने के बाद आप लोगों को फिर से फोटो पर क्लिक करना होगा। फिर से आपको स्प्लिट पर जाना होगा। स्प्लिट पर जाने के बाद आप लोगों को इस पार्ट को फिर से डिलीट कर देना होगा। फिर से आपको आगे जाना होगा। आगे जाने के बाद आप लोगों को फिर से फोटो के लेयर पर क्लिक करना होगा, आपको स्प्लिट पर क्लिक करना होगा, एंड जो इसका आगे का पार्ट है वो यहाँ से आप लोगों को कट कर देना, डिलीट कर देना होगा। आप लोगों को फिर से स्प्लिट आ जाना होगा। आप लोगों को फिर से स्प्लिट पर क्लिक करते हुए आगे का पार्ट है वो कट करना होगा। तो मैं फटाफट से बीट के हिसाब से इन फोटो को सही से एडजस्ट कर देता हूँ। गाइज आप लोगों को ऐसा ही बिल्कुल जैसे जैसे मैं गाइज आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही बीट के हिसाब से अपने फोटो को एडजस्ट कर लेना होगा, यानी कि लगा लेना है, ठीक है। मैं यार आप लोगों को एक एक फोटो इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो यार ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं गाइज आप लोगों को फटाफट यहाँ से बता रहा हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारा एक फ़ोटो बच चुका है, यानी कि एक हमारा फोटो एक्स्ट्रा था, यानी कि हमने इसमें 11 फोटो ऐड किए थे, लेकिन हमारा एक फ़ोटो यहाँ से बच चुका है। तो आप लोग फोटो यहाँ से ऐड कर लेने हैं, जो ये आगे का ये जो एक्स्ट्रा फोटो बचा है मैं उसको यहाँ से कट करता हूँ, तो कट कर दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर आ जाना होगा, एंड आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना होगा। तो मैं फर्स्ट वाले फोटो पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एनिमेशन का, तो आप लोगों को एनिमेशन पर क्लिक करना होगा, एंड सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों कॉम्बो वालों को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप कॉम्बो वालों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिले। हम आगे पहुँच गए, लेकिन ये वाला एनिमेशन हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला, लेकिन हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे सामने ये आ चुका है। ये यहाँ पर गाइज आप लोग देख ही सकते हैं ये एनिमेशन वो है, ठीक है। अब आप लोगों को फिर से अगले वाले फोटो पर क्लिक करना होगा, यानी आप लोगों को सेकंड वाले फोटो पर क्लिक करना होगा। इसमें आप लोगों को ये पेंडुलम सेकंड वाला ऐड करना है, यानी कि आप लोगों को इसमें सेकंड ऐड करना होगा। फिर गाइज फिर ऐसे ही आप लोगों को फिर से अगले वाले फोटो पर क्लिक करना होगा, एंड नेक्स्ट फोटो वाले क्लिक गाइज आप लोगों को नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को उसमें पेंडुलम वन वाला आपको ऐड करना होगा। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना होगा, फिर से आपको आप लोगों को उसमें पेंडुलम टू ऐड करना है। फिर से आप लोगों को गाइज आप लोगों को नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना होगा, फिर से आपको लोगों को उसमें पेंडुलम वन आपको ऐड करना है। तो ऐसे करते हुए आप लोगों को सभी फ़ोटो में यहाँ पर अच्छे से इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। मैं सभी में इनमें अच्छे से एडजस्ट करता हूँ, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट में पेंडुलम वन ऐड करना है, एंड आप लोगों को सेकंड फ़ोटो में आप लोगों को पेंडुलम सेकंड ऐड करना है, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं मैंने सभी फ़ोटो में इनमें यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर दिए है, यानी कि इसमें बीट के हिसाब से इसमें एनिमेशन भी दे दिए हैं। मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज आप लोग यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा ओशम लग रही है। तो इस टाइप से आप ये वीडियो एडिट करना सीख सकते हैं। तो होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, अच्छे से सीख गए होंगे। तो गाइज़ अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा, एंड आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में मुझे आपको यही सिखाना था, होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।